फवाद आलम को किसने टीम में नहीं आने दिया? आयाज भाई ने। आपके ब्रेक फेल हो गए थे। इतने अरसे बाद कमबैक हो तो बहुत कुछ फेल हो जाता है। कोई ऐसा फैन मिला जैसे ब्लेड से आपका नाम काट के लिखा फवाद? ये कौन सा फैन है? क्रिकेटर जो है ना गलती से कभी नहीं बनता, वो क्रिकेटर ही होता है, तो इसलिए वो क्रिकेटर बनता है। 92 का वर्ल्ड कप मुझे अल्लाह पाकिस्तान जीत जाए, पाकिस्तान जीत जाए। अच्छा 2009 में भी दुआएं कर रहे थे हम लोग जीत जाए, हम लोग जीत जाए। दिल तो हर चीज का करता है, दिल तो बच्चा है, लड़के का दिल कर रहा है, करवाओ। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान बन कर। Ladies and gentlemen, you are watching the National with Riyaz Sammo. मेरे साथ आज एक ऐसी example मौजूद है जिसे हम English में कहते हैं patience, persistence and perseverance. अगर ये किसी के ऊपर suit करती है properly, अगर कोई इसकी एक जिंदा मिसाल है तो वो मेरे भाई हैं जो आज मेरे शो में आने वाले हैं। पाकिस्तान की बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट की हिस्ट्री में अगर कोई सबसे बड़ा कमबैक अगर गिना जाएगा, लिखा जाएगा, देखा जाएगा, बोला जाएगा तो वो इन भाई का है। सबर किया, मेहनत की, डेब्यू किया, उसके बाद सबर किया, मेहनत की, दोबारा कमबैक किया और पाकिस्तान और दुनिया भर की क्रिकेटिंग जो वर्ल्ड है उसके दिलों पर राज किया। हमारे बहुत ही चहेते, हमारे लेजेंड है, हमारा फखर है, हमारे भाई हैं, आपके भरपूर ताले बुलाते हैं मिस्टर फवाद आलम। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर हमारा प्यारा फवाद आलम, हमारा फखर, कैसे सर आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक भाई। ये जो आपका कमबैक था, मतलब ऑब्वियसली आपका डेब्यू नो डाउट बहुत बड़ा था, बट ये कमबैक जो था ना, ये लोगों को अब आई गेस पाकिस्तान में तो क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। इसके पीछे की कहानी क्या है? पेशेंस, परसिस्टेंस, परसेवरेंस, क्या? सबर का फल वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला देता ज़रूर है, और सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने वो सबर का फल दिया और अपना काम करता रहा। अल्लाह से उम्मीद थी कि इंशाल्लाह जो भी होगा आएगा ज़रूर। यार वो 11 साल फवाद जब आप टीम में नहीं थे और अच्छे खेलते हुए बाहर हुए थे, ऐसा भी नहीं था कि आपकी फॉर्म बुरी लगी या कोई इंजरी हुई या कुछ, अच्छे खेलते खेलते बाहर हो गए और 11 साल टीम में नहीं आए, क्या क्या गुजरा था उस वक्त? गुजरता कुछ नहीं है ऐसे, क्योंकि एज अ प्लेयर आप कुछ कर नहीं सकते और अपने मौके का इंतज़ार करते हैं और मुश्किल टाइम होता है, ऐसे में कहना मुश्किल है हाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं, बहुत मुश्किल टाइम होता है, फील तो बिल्कुल मुश्किल टाइम होता है, लेकिन आपके पास एक रास्ता ज़रूर होता है उस टाइम कि आपके ऊपर, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते को चुनते हो। यहाँ तो आप कहते हो कि अपना आप छोड़ देते हैं या टॉक्सिक हो जाते हो, यहाँ हाँ यहाँ आप कहते हो कि भाई मैंने लगे रहना है। इस 11 साल में फवाद आलम को किसने टीम में नहीं आने दिया? मुश्किल सवाल। आयास भाई ने। क्योंकि मैं खुद भी नहीं आ रहा था। देखिए जी, अब इस तरह जब आप, मेरा बड़ा मानना है कि नसीब, जब जो आपके नसीब में होता है ना वो मिलता है ज़रूर है, और अगर आपके नसीब में नहीं है तो ना आपको कोई बाहर कर सकता है ना आपको कोई अंदर लेके आ सकता है, तो वो अल्लाह ताला का काम है। आई थिंक मेरे वो पीरियड मेरे नसीब में नहीं था तो इसलिए मुझे नहीं मिला। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा फोरसाइट करें या उसको उन चीज़ों को रिकॉल करें तो ऐसा लगता है कि जब तक शाहिद भाई टीम के कैप्टन थे तब तक आपकी माशाल्लाह जगह थी और परफॉर्म भी कर रहे थे, हम सबको एशिया कप याद है जिस तरह आपने वहाँ पे परफॉर्मेंस दी थी, जो अश्विन को जो छक्के मारे थे 2014 की बात, 14 की बात है, तो 2014 में बाहर हुआ था, पहले 2010 में, तो फिर आप 2014 में कमबैक, दोबारा कमबैक हुआ था, मैं बेस्ट बैट्समैन बना था, हां जिसमें ऑब्वियसली हो तो हमें सबको याद है, डोमेस्टिक में तो उस वजह से आया था, उस वजह से आए थे। और फिर 2014 के बाद आपको टीम से दोबारा, जी जब एशिया कप खेला उसके बाद एक सीरीज खेला उसके बाद अगली सीरीज में बाहर हो गया। अच्छा, और उसके बाद दोबारा कमबैक कब, कितने साल बाद हुआ ये? टेस्ट तो मैं 2000 में जो है ना 11 साल बाद खेला, वन डे खेला था 2009 के एंड में, बस 2009 के एंड के बाद मैं 2020 में खेला था, 20 में खेले जी। तो खैर बात आती है वहीं पे कि जब तक शाहिद भाई टीम में थे आपको ऐसा लगता था कि फवाद वन डे या T20 में कहीं ना कहीं अपेयर होता था। शाहिद भाई के रिटायर होने के बाद आई गेस कोई कैप्टन ऐसा नहीं था कि जिसने आपको पॉइंट किया कि यार ये लड़का मुझे टीम में चाहिए, या लड़ाइयाँ करके बैठे हुए थे आप लोगों से? देखिए आई थिंक परफॉर्मेंस खिलाती है आपको। अच्छा, आई थिंक परफॉर्मेंस जितना आप करते रहेंगे उतना आपको हर कोई खिलाएगा, जब आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको कोई भी नहीं खिलाएगा। 2014 बांग्लादेश से मैच है,
आप और शाहिद भाई खड़े हैं, हाँ जी, टीम कोलैप्स कर गई है, हाँ जी, क्या चल रहा था सब बीच में? पहली बात तो ये नहीं, उससे पहले अहमद ने सौ किया था, हाँ? क्योंकि अहमद और मेरी पार्टनरशिप हुई थी, अहमद ने सौ किया था, फिर अहमद आउट हुआ था, फिर शाहिद भाई आए थे। और जब शाहिद भाई खेलने हो तो आपको पता है कुछ चल नहीं रहा था, कुछ भी चल सकता है, हाँ? और वही हुआ। आई गेस शाहिद भाई जब क्रीज पे थे, उमर तो मुझे एग्जैक्टली सामने वाला बैट्समैन याद नहीं है, आपके ब्रेक फेल हो गए थे। नहीं नहीं, वो तो आप भागते 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 ही चले गए और गिर गए। वो शायद शाहिद भाई के साथ बैटिंग थी या पता नहीं, शाहिद भाई थी शायद, उमर के साथ थी या पता नहीं, शाहिद भाई के साथ थी वो। क्या ब्रेक फेल हो गई थी, क्या हुआ था सर? इतने अरसे बाद कमबैक हो तो बहुत कुछ फेल हो जाता है। कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपके साथ खेला, फॉर्मर या उस वक्त करंटली ऐसा प्लेयर जिसने आपको वाकई दिल से अप्रिशिएट किया हो पर्सनली? जो उस टाइम टीम में थे सबने अप्रिशिएट किया, और खुशी ने क्योंकि पहले खेला हुआ, और क्योंकि जो पहले खेले थे वो भी उसी टाइम उधर ही थे ना, ये तो अब वो कैसे कर गए, जिनके साथ पहले भी गए तो वो साथ ही थे मेरे, साथ ही मौजूद थे, यूनुस भाई भी थे, शाहिद भाई भी थे, हाँ। यूनुस भाई थे, हाँ, तो मतलब सारे प्लेयर माशाल्लाह थे हमारे साथ, हफीज भाई थे, मिसबा भाई खुद थे, तो आई थिंक मोइन भाई कोच थे उस टाइम, जहीर भाई ने बड़ा अप्रिशिएट किया था उस इनिंग को। अच्छा, टेस्ट मैच जो न्यूजीलैंड में जो हुआ था, सौ जो नहीं, सब थे, मिसबा भाई तो कोच थे, विकी भाई बॉलिंग कोच थे, जो सीनियर, विकी भाई के साथ तो मैं नहीं खेला हुआ, मिसबा भाई के साथ खेला हूँ, यूनुस भाई बैटिंग कोच थे, तो इन लोगों के साथ तो मैं खेला हूँ, यूनुस भाई और मिसबा भाई, सारे सीनियर्स वहीं मौजूद थे, हाँ जी, तो वो जो है सपोर्टिंग स्टाफ में तो थे ना सारे, और तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, जाहिर है उन्होंने खिलाया तो अल्लाह ने परफॉर्म कराया, और जितने भी प्लेयर्स थे जो थे हम, वो बहुत खुश थे, क्योंकि जाहिर है सबको पता है कि इतने अरसे बाद कमबैक हुआ और अल्लाह ने इतनी बड़ी इज्जत दी, वो भी न्यूजीलैंड में जाके, न्यूजीलैंड जैसी कंडीशंस में जाके, टफ पिचेस, जी बिल्कुल, तो सबने अप्रिशिएट किया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब खुश थे। कोई जेलस था? कौन जाले यार, कभी कभी तो कोई ना कोई हुआ होगा, देखो अब ये कवर कर रहे हो आप भी, अगर किसी के साथ है तो आप बताओगे मैं जलूस हूँ तुझसे? हाँ हैं, हाँ, झूठ बोल रहे हैं ये रिकॉर्ड करें, ये झूठ बोल रहे हैं, कभी नहीं बताएंगे, हम टॉपिक चेंज करते हैं, अब चेंज हो गया। फवाद भाई, जब आप पहले खेल रहे थे, जब हमने आपको देखा डेब्यू करते हुए, तब आप भाई, एक मिनट थोड़ा सा मैं जहमत दूंगा, आप खड़े थे सीधा, इतने साल कहाँ खेलने अभी क्रिकेट, बस थोड़े बहुत जो घूम क्यों रहे, किसी चीज पे खड़े में बस मैं घूम ही रहा था, तो मैं इसमें भी घूमना शुरू हो गया, जिंदगी ने इतना घुमाया है, पिच में तो बस घूम ही जा रहा हूँ बस। वैसे क्या कुछ कुछ चेंज किया टेक्निक में? नहीं बस वो अपनी अपनी है आज भी बस भाई, आपसे पहले हम आई गेस मेरी जहाँ तक मेरी क्रिकेट एक्नॉलेज है, जितनी क्रिकेट मैंने देखी है, तो सिवाय शिव नारायण चंद्र पॉल के इस तरह किसी बैट्समैन को मैंने नहीं देखा था। शिव नारायण भी इतना ओपन नहीं खड़ा होता ना, आप बहुत ज्यादा हो गए, आपने बोला हां बेटा मैं भी साइड वेज सीधे पे बॉल खाऊंगा, साइड वेज खड़ा होता है, तो बस ये हो गया अल्लाह की तरफ से। मैं क्यों बताऊं कि मैं बताऊं नहीं, मैंने इसलिए किया, मैंने इसलिए, हाँ कुछ चीजें होती हैं जब आप खेल रहे होते तो आपको उसमें थोड़ी सी ट्रबल आ रही होती, किसी कोई बॉल खोलते कुछ, तो करते 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 थोड़ा सा होते 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 वो पूरा इतना हो गया, मुझे खुद नहीं पता चला। थोड़ा सा होते 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 वो कहते ना, बंदा कहता है थोड़ी सी एडजस्टमेंट, थोड़ी की हमारा फायदा हो रहा है, फिर थोड़ी की तो फायदा हो रहा है, फिर थोड़ी की, तो थोड़ा थोड़ा भाई ऐसे खड़ा हो, बंदा खुद भी कहता है ये क्या है, तो आप उस तरह तो घूमने शुरू हो जाएंगे। नहीं नहीं, वो तो वो बेली था उनका ऑस्ट्रेलियन, तो वो तो बिल्कुल ही खड़ा ही हो गया था, वो तो अजीब बदतमीज क्रिकेट शुरू कर दी थी ना उसने, तो बिल्कुल ही अलग ही किया है। अच्छा, फवाद की जिंदगी में एक और बहुत बड़ा जो हम तमगा कहेंगे, अचीवमेंट कहेंगे, वो है 2009 का वर्ल्ड कप। जी जी, वो एक बड़ी जबरदस्त आपकी अचीवमेंट है, हमारे लिए भी वो मेमोरी है, वो हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। 2009 का वर्ल्ड कप जो फाइनल आप लोगों ने जीता, अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पर, देखते रहिएगा मैच भी आ सकते। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द मैच विद यासम, मेरे साथ मौजूद हैं द मिस्टर कंसिस्टेंट मिस्टर फवाद आलम। 2009 वर्ल्ड कप फाइनल मेमोरीज क्या थी? ये है कि जैसे 92 का वर्ल्ड कप अभी तक याद रखा जाता है, हाँ हाँ, तो अब 2009 का वर्ल्ड कप भी याद रखा जाएगा, और बहुत बड़ा बड़े ऑनर की बात होती है वो। 92 का वर्ल्ड कप मुझे याद है कि हम
सुबह उठ के स्कूल जाने से पहले देखते थे और किच 7 साल का था या 8 साल का था पता नहीं, तो उस टाइम दुआएं कर रहे होते कि अल्लाह पाकिस्तान जीत जाए, पाकिस्तान जीत जाए। अच्छा 2009 में भी दुआएं कर रहे थे अगला मैच जीते, फिर उसके बाद तीनों मैच जीते, मतलब माशाल्लाह फिर ऐसे ही अल्लाह ने जो है बूझ दिया और फिर सबों ने ऐसा परफॉर्म किया माशाल्लाह। और फिर फाइनल जिस तरह से हुआ शाहिद भाई ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सेमीफाइनल फाइनल दोनों बिल्कुल, शायद मैंने सेमीफाइनल में भी किया पहले साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और फिर फाइनल में भी किया, फिर मतलब हिस्ट्री हो गई है वो। और उसको अगर रिकॉल करें तो बस अल्लाह का शुक्र अदा ही करते हैं, क्योंकि आप तो फर्स्ट हैंड विटनेस है मेरे पास। जब आप फाइनल खेलने टीम जा रही थी होटल से ग्राउंड, बस का क्या माहौल था यार? बस का माहौल ये था कि बस दिल दिल पाकिस्तान लगा हुआ था, जज्बा जुनून लगा हुआ था, तो सब वो सुनते जा रहे थे और वो पूरे वर्ल्ड कप में हम लोगों ने वही सुना है। बाकी देखिए फीलिंग्स जो होती हैं वो बंदा बयान नहीं कर सकता उस टाइम में, एक्साइटेड भी थे, पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिनका तो पहले पहले था उनके लिए तो और ज्यादा था। आपका पहला आप जैसे था? हाँ जी बिल्कुल, तो वो मतलब कि हमारा तो पहला फाइनल आपका पहला था, आमिर का पहला था, शाहजेब का पहला था, जी जी शाहजेब जो खेल लेते प्लेइंग 11 में उनका था, बाकी यूनस भाई, शाहिद भाई, कामी भाई, ये लोग सब 2007 का भी वर्ल्ड कप का फाइनल खेल चुके थे जो हम लोग इंडिया से आए थे, उसमें भी मैं टीम में था, सेमीफाइनल खेला था तो फाइनल नहीं खेला था, तो एक वो भी था। और लेकिन फिर अब एक फाइनल, अच्छा वो था यार ये दोबारा फाइनल में पहुंच तो गए, अब दोबारा ना हो जाए हमारे साथ। नहीं वो देखो उस टाइम ये वाली बातें याद नहीं आती हैं, नहीं आती उस टाइम चीजें, देखें जो चीज हो गई वो हो गई, हिस्ट्री वो भी हिस्ट्री हो गया था 2007 का जो फाइनल था, अब जो आने वाला है वो हिस्ट्री हो जाना है 6 घंटे बाद जो है, मतलब जाहिर 4 घंटे बाद हिस्ट्री हो जाना जब मैच शुरू होता T20 का, तो बस वही थी जी, एक्साइटेड भी थे लेकिन कहीं ना हर जगह सबको कॉन्फिडेंस जरूर था कि इंशाल्लाह ये फाइनल, क्योंकि श्रीलंका बहुत अच्छा खेल रही थी, श्रीलंका बहुत जबरदस्त खेल रही थी और लग यही रहा था कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल फिर होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका उस टाइम बड़ा अच्छा खेल रही थी, तो श्रीलंका ने मतलब हमने जैसे साउथ अफ्रीका को हराया, क्योंकि साउथ अफ्रीका बहुत जबरदस्त खेली थी वो टूर्नामेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग साइड थी और हमारी अलग की बैटिंग ऊपर से एग्जैक्टली वो थी। और उसी टाइम उसी जो मेरे ख्याल से आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेमीफाइनल में ही आई थिंक शाहिद भाई को यूनुस भाई ने वन डाउन भेजा था, क्या कहता वन डाउन भेजा 3 नंबर, उससे पहले शाहिद भाई ऊपर नहीं आए थे, शाहिद भाई वन डाउन गए थे उसी में, फिर फाइनल में भी वन डाउन, जल्दी आउट हो गया था। हाँ जी दोनों सेमीफाइनल और फाइनल में फिर शाहिद भाई मैन ऑफ द मैच भी हुए थे। तो खैर जबरदस्त मेमोरीज हैं और अभी भी जब याद आता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी इनिंग जो आप कहोगे आपके पूरे करियर में जो सबसे ज्यादा प्रेशर में आपने खेली हो, कितना आपके हाथ पैर फूल जाते हैं ग्राउंड में, कौन सी इनिंग थी ऐसी? यार प्रेशर में जब शुरू में खेलते बंदे को इतना प्रेशर नहीं होता, कमबैक का बड़ा प्रेशर होता है जो वापस आते टीम। हाँ जी आई थिंक एशिया कप का जो फाइनल था वो ओके और देन सबसे ज्यादा जो इंग्लैंड में जो मेरा कमबैक मैच हुआ था टेस्ट वाला, जी टेस्ट वाला, वो उसमें बहुत सारे बटरफ्लाइज थे अंदर, बटरफ्लाई जीते ना, क्रोकोडाइल तो नहीं थे समझ ले, वो बन रहे थे क्रोकोडाइल बन रहे थे वो बन रहे थे, तो वो एक बड़ी अलग ही फीलिंग थी, क्योंकि कमबैक आसान नहीं होता बंदे का, आपका जब मींस दोबारा आए हो तो आप वैसे आपका नाम आता है आपको पता है आपको, हाँ जी ये नॉर्मली नॉर्मल चीज है ना, ये जो आपका नाम आया जी अच्छा खेलने अच्छा ये सब चीजें, अब आप इतने अरसे बाद जब आप कमबैक करते हो ना तो वो आप उस उन चीजों से गुजर चुके होते हो कि पहला मैच खेला दूसरा मैच खेला तीसरा, लेकिन जो कमबैक होता है ना ज्यादा जिम्मेदारी होती है, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, अगर जरा सा भी कुछ हो गया बंद मुझसे तो वो चीज जो है ना आपको बहुत मुश्किल होता है। रोना मत भाई, पर रोना मत मेरे पर भाई, टेंशन नहीं है, रोने वाला अभी कोई कमबैक नहीं करवा रहे आपसे, नहीं नहीं रोने वाला नहीं है, रुलाने वाला नहीं, नहीं रुलाने वाला भी अल्लाह ताला बनाए जी, क्या कर रहे हैं आप मेरी ऊपर से काम खराब करवाएंगे कि मैं बोलूं मैं रुलाने वाला नहीं 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 मासूम मासूम जैक से। अच्छा भाई कुछ सवाल है आपके लिए, आपने पर्दा उठाना है उन सवालों से, इसको उठा लें, उठा के स्क्रीन की तरफ कर दें। ओके जी पहला सवाल, क्या फवाद स्टॉक और कमेंट से हटाए से आउट होने को अपने लिए एजाज समझते हैं? तो इसमें कोई बुरी बात है क्या? नहीं नहीं सब उन वो बेहतरीन बॉलर हैं वर्ल्ड के और टेस्ट मैचों के तो बेहतरीन बॉलर हैं, तो एजाज की बात होनी चाहिए।
दादा अब्बा जब बन जाएंगे तो पोतों को कहेंगे मैं स्टार्क से भी आउट हुआ हूं। नहीं उस टाइम उनको थोड़ी ये थोड़ी बात है, आउट वाला ही बताना है, रंगू वाला बताएगा, कोई बताएगा, जरूरी है गलत ही चीज बता दी बच्चों। ओके जी, क्या फवाद बॉलिंग भी करना चाहते हैं लेकिन उनसे ज्यादातर बैटिंग कराई जाती है? जिसने लिखा उसको पहले बुलाएं क्यों, मतलब क्या सवाल है क्या है? बॉलिंग तुम देखिए पहले प्रेफर जो है बैटिंग है, फिर जहां पर आपको मौका मिलता है आप वो डिलीवर करते हैं। अंडर 16 अंडर 19 में आपने ज्यादातर ऐसे बॉलिंग रेगुलर करवाई है जी, सेलेक्ट आप एज अ बॉलर हुए थे शुरू में, राइट? अंडर 16 में नहीं, अंडर 15 में नहीं, नहीं शुरुआत मेरी जो क्रिकेट की थी वो बॉलर थी हाँ। उसके साथ मैंने बैटिंग शुरू की, लेकिन जब 15 में सिलेक्ट हुआ पाकिस्तान अंडर 15 में तो एज अ बैट्समैन ही सिलेक्ट हुआ था। अच्छा, फिर जो है बॉलिंग करते थे क्योंकि ऑलराउंडर्स बहुत सारे थे, बहुत सारे थे। तो उन्होंने कहा नहीं इसमें नहीं, वो बहुत सारे हैं हाँ। इसको बैटिंग एज अ बैट्समैन उन्होंने सिलेक्ट किया था। फिर तो जब आप टीम में आए तो फिर आप शुरू में बॉलिंग करते थे, सेमीफाइनल में दो आउट किए थे वर्ल्ड कप 2007 में, तो बॉलिंग साथ साथ थी। तो अब दिल करता है बॉलिंग कराने का या अभी अभी नहीं यार बैटिंग ही करनी पसंद? नहीं सर, दिल तो हर चीज का करता है, दिल तो बच्चा है, लड़के का दिल कर रहा है करवाओ। ये आप कौन सी बॉलिंग करवाना चाह रहे हैं मुझसे? बॉलिंग क्या फवाद अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं लेकिन डाइट नहीं करते और खूब खाते हैं? खाना पीना खाते हैं यार, ऐसा नहीं है कोई मतलब बहुत ज्यादा नखरे शकरे नहीं है। डाइट पता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन हाँ लिमिटेड थोड़ा सा, नहारी कढ़ाई सब खा लेते हैं। नहीं अब ये करना नहारी शिहारी नहीं, अब ये ना करवाए इतना ना करवाए, पाए वाए खा लेते हैं। नहीं आखिरी बार पाए कब खाए? 3 महीने पता नहीं, याद ही नहीं है, याद नहीं है। देखो अभी सर्दियां गुजरी, भाई ने पाए भी नहीं खाई सर्दी में, खिलाओ भाई को। अच्छा, क्या फवाद ने ऑस्ट्रेलिया T20 मैच में शॉन टेट के ओवर की सिर्फ 2 बॉल्स खेली थी, ये क्या सीन है? सर अच्छा था ना, बाकी चाड़ने के लिए बहुत तेज बॉल कर रहा था, बहुत तेज कर रहा था। नहीं शॉन टेट जो खेले वो अच्छा तेज था बॉल, चौंटेड। हाँ जी, आपने अब तक इतने बॉलर्स के साथ खेला है, सबसे तेज कौन लगा आपको? शोएब भाई और चौंटेड। शोएब अच्छा। भाई तो उस टाइम जब हम जब खेलने आए थे तो उस टाइम जाहिर है वो, क्योंकि शोएब भाई एक आज 2 साल बाद ही रिटायर भी हो गए थे, पीक से निकल चुके थे तो वो नहीं था, लेकिन उस टाइम भी वो जब चाहते थे खेलते। नहीं मोहम्मद शमी भी बहुत तेज, मोहम्मद शमी बहुत तेज थे, और वो जब अपने चाहते हैं ना वो चाहते थे वो तेज करते थे भाई, उनको जोर निकलता था बॉल। हमने डोमेस्टिक के मैच में देखा था, विटनेस किया था, हम खड़े हुए थे तो लिटरली जो बैट्समैन थे उन्होंने उनको भगाया था कजाफी स्टेडियम में, बहुत तेज बॉलिंग की थी, हेलमेटों पे मारे थे उन्होंने, वो तो नॉर्मल मारते हैं उस मैच में बहुत तेज बॉलिंग कर रहे थे। अच्छा हुआ इनके सामने हम नहीं खड़े हुए। अगला सवाल, क्या फवाद शायराना मिजाज भी रखते हैं, इन्हें अशआर पढ़ने और सुनने का शौक है? शायराना रोमांटिक है, रोमांटिक रखते तो हैं, ऐसा नहीं अच्छी लगती है, अच्छी? तो पढ़ने का बहुत कम है, सुनने का ज्यादा है। पसंदीदा शायर जिसको आप बहुत ज्यादा सुनते हो? मैं किसी एक को नहीं करता फॉलो, सब मुझे जो मैं सुनता हूँ मुझे अच्छी लगती है तो वो मेरे लिए अच्छी है। बस हम एक काम करते हैं भाई फवाद भाई से ना, हम क्योंकि ब्रेक पे जा रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप एक शेर पढ़ें और फिर हम ब्रेक पे जा रहे हैं। शेर कुछ बताएं भी ना, अरे कोई मुझे याद नहीं रखता ना मैं, ये मेरी मेमोरी बहुत। मैं एक शेर आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, फवाद आलम लाखों में एक। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये शेर था या डब्बा था? और छक्के चौके मारने टुक टुक की कोई गुंजाइश नहीं है, सवाल होंगे आपसे, आपने तेज तेज उनके जवाब देने हैं, ठीक है? कोशिश करेंगे सर। अच्छा जी, कैच ड्रॉप होने पर कौन सा फील्डर जमीन पर गिर कर हाय हाय करने लगता है जैसे चोट लग गई है? कैच ड्रॉप होने पे एक्टिंग करते ना, एक कर तो मुझे भी पता है कौन, अब पता नहीं है अहमद। पूरे पाकिस्तान को पता है वो तो। ऐसे आप लोग बेचारे को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा ये इनमें से कौन है जो आपको लगता है कि सबसे अच्छे क्रिकेटर हैं, फैसल कुरैशी, हुमायूं सईद या फहद मुस्तफा? फहद भाई। फहद भाई, ओके। यूनुस खान साहब को क्या मशवरा देंगे या राय आपकी उनके बारे में? मशवरा कुछ नहीं, मेरे मौसी ने वो। ओके जी, आपने इनको मशवरा देना है अबरार को। ये देखो आप सीनियर हैं, अबरार को मैं स्लिप से पीछे से खड़े होकर मशवरा देता था, वो उससे पूछेगा क्या देते थे? बस आप जब भी होंगे उससे जरूर पूछेगा। ये कहते थे स्टैंड्स की तरफ मत देखो लड़कियां, नहीं वो उससे पूछेगा, मैं ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ। उस टाइम कोई भी नहीं होता था भाई, कोई भी होता था, फर्स्ट क्लास का मैच चल रहा था, सिर्फ ग्राउंड में खड़े होते थे, हम ही खड़े होते थे और हम ही देख रहे होते थे एक दूसरे को। वैसे क्या मशवरा देंगे बता नहीं सकते, कुछ और मशवरे दे रहे हैं। ओके, ऐसा क्या मशवरा देंगे?
एहसानुल्लाह जो भी फास्ट बोल रहा है अच्छी कर रहे हैं माशाल्लाह। अब पाकिस्तान का एक नया उभरता हुआ फास्ट बॉलर नजर आ रहा है, टीम में जगह बना लेंगे वो। सर देखें जो बाकी तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, और आप जब परफॉर्मेंस कर रहे होते हो, जब आप नजरों में आते हो T20, आपको पता है PSL आपको जब भी खत्म होती है तो PSL आपको दो तीन प्लेयर देके जाते ही है, तो आई थिंक इसमें से एक एहसानुल्लाह है। ओके, अगला सवाल यही है, इस साल दो PSL की फाइनलिस्ट कौन कौन सी है? एहसानुल्लाह और साहिम अयूब। अच्छा जी, साहिम अयूब को क्या मशवरा देंगे? मजे की बात, सवाल भी आया ये आप खेले जा रहे हैं अभी। हाँ, मैं तो खेलूंगा भाई, मेरा शौक है। बट देखिए मशवरा कुछ नहीं है, अभी एक्सपीरियंस है, अभी तो खेलना शुरू किया है। हाँ। तो जब जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस होगा आई थिंक और उसकी बैटिंग में निखार आएगा। ठीक है जी, अगला सवाल, कोई ऐसा क्रेजी फैन मिला जिसे समझाना मुश्किल हो गया हो, या ये बताना कि हाँ भाई मैं ही फवाद आलम हूँ, क्या हो गया पीछे पड़ गए हो? ऐसा फैन बस पूछते हैं तो जब बोलते हैं तो मान लेते हैं वो। कभी किसी फैन को मना किया नहीं भाई मैं नहीं हूँ और निकल गए हो? हाँ, समटाइम पता है कि फंस जाएंगे तो निकल जाओ। ऐसी हरकतें करते क्यों जिसमें फंसने का डर हो? सर वो इसलिए कि लेट हो रहा था, मैंने कहा यार अच्छा, करो तो लेट हो तो जल्दी निकल जाओ। आते हैं ज्यादातर फैमिली के साथ होता तो इग्नोर करता हूँ। कोई ऐसा फैन मिला जिसने ब्लेड से आपका नाम काट के लिखा हुआ बाद? ये कौन सा फैन है? होते क्रिकेट में नहीं होते यहाँ ले। ओके जी, आप लोगों में होते हैं। हमारे में भी होते हैं भाई। इस PSL टूर्नामेंट में आप किस टीम की तरफ से खेलना चाहेंगे? इस PSL के टूर्नामेंट में अब तो खत्म हो गया, किसने लेना है? अगर खेलना चाहते तो किस टीम आप चाहते कि मैं इस टीम में होता? अभी तक तो PSL खेला नहीं, तो जिस टीम में भी होता तो एक PSL का डेब्यू हो जाता बस। तो टीम का नाम नहीं बताएंगे यार? मेरा भाई ना अभी भी टेस्ट मैच ही खेल रहा है साइड में। टॉक टॉक। ओके जी फवाद भाई, इनमें से तीनों चीजों में क्या आप अच्छी कर सकते हैं, डांसिंग, सिंगिंग या एक्टिंग? और जो बोलोगे ना हम वो करवाएंगे। फिर तो तीनों मना ना कर दूं? नहीं करवाएंगे, नहीं करवाएंगे। डिपेंड्स, एक्टिंग कर चुका हूं। हाँ, सिंगिंग अभी की नहीं है, और डांसिंग वैसे बंदा करता है, वैसे नहीं किया। ऐसे वाली तो हो रही थी, वैसे वाली कौन सी डांस? नहीं वैसे लाइक ये वाला। हां वैसे तो बंदा हल्की आंच पे डांस, भाई की जब आपको पता है बारात होती है शादी तो उसमें बंदा वो वाला है, बाकी तो अभी वो तो जिसको नहीं भी आ रहा उतना वाला टैलेंट नहीं पता कि उतना कर सकते हैं नहीं कर सकते। ओके जी, कौन है जो गलती से क्रिकेटर बन गया? नहीं नहीं यार, क्रिकेटर जो है ना गलती से कभी नहीं बनता, वो क्रिकेटर ही होता है तो इसलिए वो क्रिकेटर बनता है। फुल तैयारी करके आया हुआ है, तलवार और ढाल दोनों लाया है। ओके जी, इनके आपने निकनेम रखने हैं? अच्छा। अगर आपने रखने होते हैं, अहमद शहजाद? अहमद ही कहते हैं, शहजाद अहमद, अहमद हाँ शहजाद, अहमदा बोलते हैं यार, समटाइम अहमदा, चलो अहमदा ऐसा। ओके जी, सईद अजमल का निकनेम क्या होता? सईद भाई का, सईद भाई वा मेरे बड़े मोहसिन है मेरे, सईद भाई, सईद सईद भाई, सईद भाई। ओके, शुएब मलिक? मलिक साहब, मलिक साहब। ओके, अब्दुल रजाक? रिजी भाई, रिजी भाई, वो तो सभी रिजी भाई कहते हैं। बाबर आजम? उसको बॉबी, बॉबी। ओके, कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जिसे क्रिकेट छोड़कर मॉडलिंग करनी चाहिए? नहीं सर माशाल्लाह, वैसे सारे क्रिकेटर जो खेल रहे हैं वो मॉडल हो भी चुके हैं, वो एग्जैक्टली वो करते भी हैं, एड्स वगैरह भी करते हैं, तो आई थिंक किसी को मशहूर। बाकी जब आप जब पाकिस्तान से आप खेलते तो आपके पास इतना ज्यादा टाइम भी नहीं होता, उसके बाद भी नहीं होता, कहीं ना कहीं आप कोचिंग में कहीं भी आप बिजी रहते हैं, बाकी लीग्स अब इतनी होने लग गई हैं। एग्जैक्टली, एक तो पहली बार ये कि आप रिटायर भी अगर पाकिस्तान से निकलो तो आप लीग्स खेल लेते हो तो आपको टाइम नहीं बचता। ठीक है, अच्छा किस खिलाड़ी के स्टेडियम में बैठी खवातीन को देखकर स्टाइल चेंज हो जाते हैं? किस खिलाड़ी के? हाँ, लेडीज को देखा, फीमेल फैंस आ गए तो फुल। देखिए वो तो आपके भी होते हैं, सबके होते हैं, वो तो इंसान की एक है, तो आप नॉर्मली ये मेरे पे डाल दिया, सारा मेरे पे डाल दिया, मैंने एक का नाम थोड़ी ले सकते हैं, वो तो हम सबके होते हैं, उसमें क्या। ओके जी, कौन सा बैट्समैन है जिसे पिच पर आते ही पवेलियन जाने की जल्दी होती है? कौन सा ऐसा बैट्समैन है? टू बी वेरी फ्रैंक, कोई भी बैट्समैन कभी नहीं चाहता कि मैं आऊं और पवेलियन चला जाऊं। कुछ लोग कर लेते हैं जल्दी, वो तो बैटिंग में जल्दी कर लेते हैं, वो तो उनका वे ऑफ प्ले जो होता है ना एग्रेसिव होता है, वो वैसे ही होता है, तो उसमें जब वो चलते हैं तो फिर वावा भी होती है, और जब वो आउट होते हैं तो फिर बंदे को। अभी कौन ऐसा हमारी सर्किट क्रिकेट में पाकिस्तान की जो आपको लगता है कि जो रिस्क लेके खेलता है, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आउट हो जाए या ना हो या छक्का लग जाए? नहीं देखें, आउट हो जाए फर्क जरूर पड़ता है,
ऐसी बात नहीं है कोई भी बैट्समैन हो बैटिंग करने जा रहा हो पाकिस्तान से खेलो, इवन कि आप कोई क्लब क्रिकेट भी खेल लेते हो, आउट का होता है, फर्क जरूर पड़ता है, बंदा आया है और आउट होके चला गया, रन करना चाहे वो हो, लेकिन एग्रेशन है सबका, सब अपने अपने एग्रेशन के थ्रू ही खेलते हैं और उसी वजह से वो टीम में भी होते हैं और उसी की वजह से वो टीम को मैच भी जितवाते हैं। तो आप किसी को ऐसे नहीं कह सकते कि कोई आउट होता तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसका नेचर है, वो खेलता ही है, उसको एक जो है रोल दिया हुआ होता है, अब उस रोल में वो कभी फेल भी होता है कामयाब भी होता है। ठीक है, ओके जी, ऑल टाइम फेवरेट बैट्समैन और बॉलर? वो फेवरेट बैट्समैन तो दो ही हैं, सईद अनवर और ब्रायन लारा। हाय 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 सईद भाई की क्या बात, क्या बात, वही दो। बॉलर? बॉलर जो है स्पिनर में मुझे विटोरी अच्छे लगते हैं, डेनियल विटोरी। कोई ऐसा सवाल होता है जिसका ना चाहते हुए भी जवाब देना पड़ता है? हाँ, अभी आपने कितने सारे किए मुझे पता था ये मेरे पे आने वाली है अभी आपने कितने सारे मेरे जवाब नहीं दिया आपने, आपने घुमा दिए बातें, मैंने सारे दिए। ओके जी, ये सुनकर कौन जहन में आता है सिर्फ खाने पर तवज्जा? मिसबा भाई बहुत है, मिसबा भाई खाने का शौकीन है, बहुत खाते शौक से ना, मिसबा भाई है, शाहिद भाई है, मतलब खाने के सही शौकीन। ओके, सिर्फ सेल्फी पर तवज्जो आपको? अब तो सभी ले रहे थे, बल्कि तो अब सारे ही लेते, तो आप किसी एक का नाम ही किसी एक का नाम ले सकते। ओके जी, अभी हम भी लेंगे उसके बाद। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ग्राउंड के बाहर सब अच्छा दिखना चाहते हैं, ठीक है, ग्राउंड के अंदर जब आपने एक तो स्टार पहना हुआ था वैसे ही आप खूबसूरत लग रहे होते, ठीक है, इसकी एक बात ही अलग है यार, इसको भाई सियासत में डालो, कहाँ क्रिकेटर बना दिया इसको, अगला इलेक्शन लड़ा। उसके बाद जब जाहिर आप होटल जाते हैं, फिर आपको अगर खाना वाना खाने कहीं जाना तो उस टाइम सब सभी करते हैं। ऐसा कौन है जिसकी तवज्जो सिर्फ फिटनेस पर होती है कि यार फिट होना चाहिए? शानी है, शान मसूद को कहते हैं, शान मसूद, वो थोड़ा ज्यादा फिटनेस फ्रीक है। ओके जी, क्रिकेट के अलावा कौन सा गेम खेलना या देखना पसंद है? क्रिकेट के अलावा वैसे तो क्रिकेट ही पसंद है, खेलना भी और देखना भी नहीं, जो है ना वो बता दो, फुटबॉल वगैरह। रेसलिंग नहीं देखते हैं? रेसलिंग नहीं देखते? नहीं, रेसलिंग में डर लगता है ना, वहां से निकल के मारना दे इससे पहले कि हम भी आपके टीवी से निकल के आपके घर में आ रहे हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद अस, हम साथ मौजूद है फवाद आलम और आज मेरे मैच में भी एक टेस्ट मैच ही खेल रहे हैं कोई छक्के नहीं मार रहे, सिर्फ टुक टुक कर रहे हैं। मैं चाहूंगा अब आप छक्के मारे क्योंकि इसमें कुछ भी कंट्रोवर्सी नहीं है, आपसे कुछ लोगों के नाम लूंगा। कंट्रोवर्सी तो पहले में भी नहीं, पहले में भी नहीं थी, लेकिन आप फिर भी टुक टुक कर गए। ओके जी, सवाल कुछ ये है कि भाई कुछ दोस्त ने आपके आपके साथ खेले हुए हैं, आपके सीनियर्स भी हैं, आपको क्योंकि आप उनकी बारीकियों को जानते हैं, आपको गैस करना उनका पासवर्ड क्या होगा? पासवर्ड क्या होगा? पासवर्ड गैस करना आपके, उनके पासवर्ड क्या हो सकते हैं? तो यार बहुत मुश्किल है आज, अंदाजा लगाना है, अंदाजा लगाना है। सरफराज का पासवर्ड क्या होगा? वो बेचारे ने कुछ भी हल्का ही रखा होगा, कुछ क्या हल्का रखा होगा, 1 2 3 हल्का का टिश्यू पेपर पासवर्ड है, उसने बेटा रखा होगा, बेटा। ओके, हसन अली का पासवर्ड क्या होगा? शरारती, शरारती। वैसे जनरेटर भी हो सकते हैं नहीं नहीं वो सबको पता है ना अच्छा शरारती। इमरान नजीर का पासवर्ड क्या होगा? मी भाई है, मी भाई कुछ भी रख सकते हैं, मी भाई का पासवर्ड होगा छक्के पे छक्का, हां 6666 हो सकता है। ओके जी, उमर गुल गुली भाई का पासवर्ड, गुली भाई का पासवर्ड यार, यॉर्कर बड़ी कमाल मारते थे। उफ, शाहिद भाई का पासवर्ड क्या होगा? शाहिद भाई का बूम बूम होगा, लाला बूम बूम। ओके, शान मसूद का पासवर्ड क्या होगा? शान का होगा आओ जिम चले सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन, इसके बारे में बाद बात करेंगे। ओके, बाबर आजम का पासवर्ड क्या होगा? रन्स, रन्स, वेरी गुड। वहां भी आपका पासवर्ड क्या होगा? अभी तो वो बन गए, वो क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स प्राइम मिनिस्टर बन गए, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने, मिनिस्टर बन गए, सॉरी, तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर उनका पासवर्ड है? नहीं, वो हटा दिया होगा आपको, हटा दिया होगा क्या पासवर्ड है बताओ, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं हूँ। विकी का वो भी बस टॉकिंग, टॉकिंग बोलता बहुत है, नहीं वैसे नॉर्मल। अच्छा, नसीम शाह का पासवर्ड क्या होगा? नसीम को क्या बताऊं यार, जो जो हंसी आई है ना, कुछ आया है दिमाग में, क्यूट बॉय, आई एम क्यूट बॉय, ठीक है ठीक नहीं नसीम को ठीक है, और नसीम को भी समझ नहीं आ रहा कुछ, नसीम को समझ नहीं आ रहा। ओके, इनका आपको जरूर पता होगा, अल्लाह खैर, ये आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह खैर करे। उमर अकमल, उमर का क्या होगा यार, मैंने किया भाई अभी, हां क्या मैंने किया हुआ है, इससे कुछ भी पूछा था तो मेरा कैसे कहते मैंने किया हुआ है। चलो, ये तो पासवर्ड आपने गेस कर ली है, अगला जो गेम है वो आपका भी इम्तिहान है और हमारे भी इम्तिहान है और देखने वाले उनका भी इम्तिहान है।
आपका हमने क्रिकेट का टैलेंट भी देख लिया, आपने एक्टिंग की, हमने वो टैलेंट भी देख लिया, अब बारी है आपके सिंगिंग टैलेंट को दिखाने की। और आपने पहले ही, भाई देखो पवार सिंगर नहीं है तो आपने जज नहीं करना। नहीं, मैंने पहले ही बोला ये ना हो कि आप ही उठ के भाग जाए, मुझे कोई जज का, इसीलिए तो हमने आखिरी में रखा है कि जाने तो उससे पहले ना भागने ना। हेडफोन पहन ले आप। पहला गाना, गाना है और आसमा इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा गाया अच्छा गाया। ये तो पता चलेगा बाद में देखूंगा तो। ओके जी, किस किस के सॉन्ग लगा रहे हो यार, इतना हाई लोग बोल गए। ए जज्बा जुनू तो हिम्मत ना हारो, या अल्लाह बचा ले। जज्बा जुनू तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो वेरी गुड सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो वेरी गुड पाकिस्तान है हमारा। भाई ये क्या गलत पड़ेगा? मैं माफी भी मांग रहा हूँ जिनके आप सॉन्ग मुझसे गवा रहे हैं, उनसे भी माफी मांग रहा हूँ। ओके जी, ये आपको अच्छा लगेगा। लगा दो शोर, मचा दो शोर के दुनिया हिल जाए, मुश्किल है ये तो। हाँ जी, फवाद साहब हाथ ऊपर के करके बोलोगे बंद कर, ये तो बहुत जल्दी जा रहा है, बहुत जल्दी स्लो गाना लगाया आपके लिए। हाँ ये तो बहुत चले, स्लो जल्दी जा रहा है मुझे, चले चले स्लो गाना कैसे पकड़ूं, स्लो गाना स्लो गाना। टाइम मत इनके वतन लपिया पे वाह वतन, मुझे माफ करो चले, मुझे माफ करो। एक एक आखिरी गाना चल, ये चन्नों की आंख में इश्क न इश्क की नशा, चन्नों की आंख में एक नशा है, गाल पे उसके तिल का निशा है, में एक नशा है, गाल पे उसके तिल का नशा है, जिसमें जो उसकी अदा है, जो दिल ले लिया है के दिल बोले बस करो बस यार। अच्छा तो गाते हो, खत्म करूंगा मैं। अरे भाई अच्छा यार, कितने लोग खड़े हैं, अच्छा गा रहे हैं यार। अभी तो आप बोले, देखो जोर से गालियां, अभी तो आप बोलेंगे यार, मुझे तो गालियां पड़नी हो। खैर वादी, थैंक यू सो मच, आप आए और आपने बहुत ही डिफेंसिव तरीके से प्यारी प्यारी बातें की, लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया। आई होप जो देख रहे हो उन्होंने भी एंजॉय किया होगा। जाने से पहले अपने प्यार करने वालों से, फैन से क्या कहना चाहेंगे आप? हमेशा से प्यार दिया है, आगे भी बस प्यार देते रहिएगा, और आई थिंक आपकी दुआएं, आपका सपोर्ट है जो इवन मुझे नहीं, जितने भी जिन जिन को आप पसंद करते हैं एज अ क्रिकेटर, उनको बहुत उनके काम आती है, और इसी तरह सपोर्ट करते हैं क्रिकेट को भी, और जो है आप जिनको पसंद करते हैं उनको भी। ये थे हमारे लेजेंड मिस्टर फवाद आलम, आज का एपिसोड मैंने बहुत एंजॉय किया, आई होप आप जो घरों में बैठे हुए देख रहे हैं आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मैं था याद सब, साइनिंग आउट।